अमरनाथ द्वारा इस्तीफा देने के बाद कैबिनेट के पूर्व मंत्री नेताओं ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा। एक तरफ है विधायकों को करोड़ों रुपए में खरीदना और महिलाओं का भी उसमें उपयोग करना और उनको उनको बस में करना, विधायकों को बस में करना, और तीसरा शिवराज का चेहरा सत्ता लोलुपता का, जिसके लिए सब कुछ करना, नाक रगड़ना, लौट जाना, हद दर्जे की अनैतिक वर्क में अपने आप को संलिग्न करना। तीन चेहरे निकले मध्य प्रदेश के पूरे घटनाक्रम से, उसके खिलाफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना काम बताया है। देखिए, बात उम्मीद की और नाउम्मीदी की नहीं है। हर उस व्यक्ति को जिसको जनता ने चुनकर भेजा है उसको कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। इसके साथ कि हमें सत्ता ना मिले, हम जनता की सेवा करते रहे, संघर्ष जारी रहेगा जीवन भर, मृत्यु तक। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कुछ कांग्रेस के नेता जो अपने निहित स्वार्थों के लिए राजनीति करते हैं, उनके उनके द्वारा ये रचित पूरा षड्यंत्र है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की आम जनता परेशान है। जिस प्रकार से 22 चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, 22 विधायकों को जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे समय तक उनको बंधक बना के रखा, उनकी सोचने की आज़ादी छीन ली गई, उनकी बोलने की आज़ादी छीन ली गई, और जिस प्रकार से एक पूरे देश में एक नया मोदी मॉडल जो चल रहा है, जहां पर चुनी हुई सरकारों को, जनमत हासिल हुई सरकारों को अस्थिर करने का जो है प्रयास किया जा रहा है, और सत्ता की लालच और भूख जो है आज स्पष्ट दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री जी ने अपना इस्तीफा दे दिया कि भाई हम धनबल के सामने और माफिया के सामने हारे हैं, हमने अपना इस्तीफा दिया, जनता हमारी बात को समझ रही है, हम लोगों ने साथ में कहा। महामहिम राज्यपाल साहब ने लिख के दे दिया कि अगले मंत्रिमंडल के गठन होने तक मुख्यमंत्री जी और मंत्री उनके अभी प्रभार में रहेंगे, उसके बाद फिर जो नए आएंगे वो दायित्व संभालेंगे, 6 महीने बाद फिर अपन बात करेंगे। इतने ज्यादा संख्या में विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करना एक अध्यक्ष को कितना भारी लगता है, कितना दुखी मन होता है, किंतु क्या करें, सदस्य स्वमेव इस्तीफा दे रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं, कोर्ट तक में बोल रहे हैं कि हम सामने नहीं जाएंगे, हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लें, तो मुझे ये सब कार्यवाही नियम प्रक्रिया के तहत करनी पड़ती है, क्योंकि मैं संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हूं और संविधान में जो मुझे निहित प्रक्रियाएं दी हैं उसका पालन करना जरूरी होता है। सर, आरोप लग रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, एलिफेंट ट्रेडिंग हो रही है। देखिए, लोकतंत्र में ये बड़ी विडंबना आ गई है कि जनता किस हेतु के लिए आपको चुन के पहुंचाती है, क्षेत्र में क्या करने के लिए पहुंचाती है, और आने के बाद आप क्षेत्र को नजरअंदाज कर दें और स्वयं को सोचने लगें तो ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाए।